हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जेई के बारे में। आपका एग्जाम आने वाला है, राइट? सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो मेरे से पढ़ रहे हैं मेरे बाकी कोर्सेज बाकी जगह पर, तो उनको भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आज का वीडियो होगा। तो आज का वीडियो बताने वाला हूँ मैं कि आपका जो लास्ट 15 डेज है उसमें आप क्या करें। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जितने भी गेट के एग्ज़ाम के बच्चे मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरे फ्री वीडियोस को देख रहे थे, और उन पे से कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ जस्ट क्वालिफाई करें हैं। और मेरे पास अभी एक बच्चों का इंफॉर्मेशन आया है, उसका अंडर 1000 रैंक आया है। सो दैट इज़ ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स हु इज़ जस्ट यू नो प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी करके अंडर 1000 रैंक लाना बहुत अच्छी बात होती है। तो सारा चीज़ मैंने देखने मुझे पता लगा क्या काम कर रहा है फिलहाल, क्या स्ट्रेटजी सही में काम करता है कोई भी एवरेज बंदे के लिए, तो उसके लिए बताऊंगा मैं, राइट? सो आई विल टेल यू दैट। पहले हम बात करेंगे टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स आप लोग ना पढ़ें। अगर आप एसएससी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बीटेक कर चुके हैं, अगर आप कोचिंग नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे, इन में से कोई ना कोई टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे एसएससी जेई के लिए। सो माय डियर, बेस्ड ऑन द एनालिसिस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, बैलेंसिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, साइकोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, और एचएमडी से क्वेश्चन नहीं आता है। आई नो आप क्या बोलने वाले हैं, आता है, एक बार सिर्फ आया था 2017 में, जब पहली बार सीबीटी टेस्ट हुआ था तब आया था। उसके बाद जैसे 18 में पेपर हुआ, 12 के 12 पेपर का एनालिसिस मैंने किया, एक एक क्वेश्चन को हमने देखा है, तो उससे मैं पता लगा, राइट? और एनालिसिस इतना क्यों करते हैं, पहले तो मुझे पढ़ाना होता है, पहला एसएससी जेई गेट, उसके बाद बाकी पीएससीयूज, इनको मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। ईएससी का एनालिसिस इस साल में अच्छे से कर रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आपको, इन टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा अब की बार, ये तो पहला इंफॉर्मेशन था। दूसरा इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। तो आई एम प्रिटी श्योर आपको एग्जाम पैटर्न तो पता होगा। तो हम आज बात करेंगे कि क्या सिर्फ सीबीटी 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका टोटल पेपर टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स है। क्वेश्चन कितना होगा, 100 होगा टेक का, और 100 क्या होगा नॉन टेक का। नॉन टेक में हमारे पास क्या क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा और रीजनिंग वाला, प्लस जीके होगा हमारा, ये हमारा क्या है नॉन टेक है। तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, 200 क्वेश्चंस 2 घंटे में, मतलब 1 आवर में 100 क्वेश्चंस आपको करना है। कितना ज्यादा सोच सकते हो, आपको फास्ट काम करना है। सो यहां पर न्यूमेरिकल का चांसेस अगेन मैं बोलूंगा सिर्फ 15 मैक्सिमम लगा लो, वो भी आएगा जो क्या आएगा छोटा न्यूमेरिकल लगा, इतना बड़ा ही आएगा। अगर बड़ा आ रहा है और आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। पहले आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए 200 से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बिकॉज 150 के आसपास जाएगा आपका कट ऑफ 200 में से। और यहां पर एक बात है गाइस, नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना 1/4, मतलब -0.25 मार्क्स क्या है नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका क्या है एग्जाम पैटर्न है। आप आई होप सो वी गॉट द पॉइंट। तो यहां पर और एक चीज बताऊंगा, एग्जाम सेंटर आप जल्दी पहुंच जाएं 1-2 घंटे पहले, बिकॉज हम भी क्या होते हैं कभी भी लेट होते हैं पढ़ाने से, मतलब मान लो 5 मिनट मतलब सोच रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो भागम भाग में आते हैं, फिर क्या होता है मैं थोड़ा टाइम लगता है पूरा माइंड को स्टेबल करने के लिए, 2-4 मिनट लगता है टाइम। हम तो 9-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो कितने साल से एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप जल्दी पहुँचना वहाँ पर, थोड़े रेस्ट करना, फिर एग्जाम हॉल में जाओगे तो अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे स्टेबल माइंड के साथ, राइट? तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था क्या होता है लेट जाने से, वो भी बताया था आपको, डिटेल्स में बता चुका हूँ, एक स्टोरी बता चुका हूँ मेरे फ्रेंड्स के कैसे उनका एग्जाम रह गया था। सो या अब गाइस बात करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आता है, जैसे हमारे पास कोल इंडिया का हुआ था पेपर, कोल इंडिया का आया था क्या पहले 1 आवर, उसके बाद क्वेश्चन कुछ और खुल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, अकॉर्डिंग टू मेरा जो स्टूडेंट है जिसने पेपर दिया था, मैंने तो पेपर दिया नहीं लास्ट ईयर क्या हुआ था, 200 के 200 क्वेश्चन आ गए थे आपके सामने, 2 आवर्स में आ गया था, जो करना है करते रहो 200 क्वेश्चन। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, योर मेन टारगेट शुड बी लाइक दिस कि मुझे सारे क्वेश्चन को क्या करना है अटेम्प्ट करना है। उससे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आपको कितना लाना है, 160 का टारगेट लेके चलो, आपको लाना है कम से कम
160 अगर लाओगे तो आपका सिलेक्शन 90% चांस से सिलेक्शन हो जाएगा। और 160 लाने के लिए कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते हो, कवरेज चाहिए अच्छा खासा। अब गाइस बात करेंगे लास्ट 15 डेज का प्लान आपका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर लास्ट 15 डेज। अगर आप ऐसे करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर मार्क्स आपका कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। एटलीस्ट अगर आपका मार्क्स आने वाला था, मान लो 140 आना था, तो आपका 20 मार्क्स कम से कम बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए, जो आपको मैं स्टेप बताऊंगा, बिकॉज ये मार्क्स इंक्रीजिंग स्टेप है। आई होप सो मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ आपका प्रिपरेशन ठीक है, मतलब आप क्या कर रखे हैं, आपका बेसिक क्लियर है, पहला बेसिक क्लियर सबका होता है जो कोचिंग ले लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल में हाथ कैसा है, या फिर क्वेश्चन जॉब करते हैं आप, मिस्टेक कितने होते हैं आपसे, ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा, एग्जाम जब देते हो रियल सिनेरियो में, तब आपका क्या हिसाब किताब होता है। ये आपके तीन मेजर चीजें हैं कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का कंसेप्ट है, मतलब तीन मेजर स्टेप्स होते हैं, राइट। अब देखिए आपको बताऊंगा क्या करना है, आप क्या कर लीजिए, पहला क्या करना है आपको, आपको रिविजन करना है जो आपने पढ़ा हुआ है। पहले आप टेक को ले लो, आसान है आपके लिए, आई एम प्रीटी श्योर। रिविजन करने के बाद क्या करिए आप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन आधा घंटा सॉल्व करिए कुछ क्वेश्चंस। उससे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो मैं बोलूंगा, थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो इंप्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, राइट। और मैं बोलूंगा आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 25 बार सॉल्व मत करो, 12 बार 25 बार सॉल्व मत करो, इससे क्या याद हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे। आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप एक कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करने के बाद क्या करिए आप, टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर गाइस आपने टेस्ट सीरीज बाय कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं बाय कर रखा है तो हमारे पास टेस्ट सीरीज है मैकेनिकल का, क्या सिर्फ 99 रुपीज में, टेक भी है और नॉन टेक भी है, बोथ अवेलेबल, बोथ आर अवेलेबल देयर। टेक का आपका 5 फुल लेंथ मिलेगा, नॉन टेक का 5 फुल लेंथ मिलेगा। और इसी टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए हम इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, बिकॉज हमें टेस्ट सीरीज बनाना होता है। और इस टेस्ट सीरीज को बनाया किसने है, टॉप रैंकर्स गेट के, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है, और जो SSC JEE को 5, 7, 8 साल से पढ़ा रहे हैं उन्होंने बनाया हुआ है। कम से कम 8-10 बंदों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, टेक में भी और नॉन टेक में भी, और क्या है, टेक में भी। तो आपका 19 रुपीज का है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बाय इट। और सबसे चीपेस्ट है, सबसे बढ़िया है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपको रैंक भी मिलता है, टाइमिंग भी दिखता है, सब कुछ दिखेगा क्या पर कैसे, जैसे प्रॉपर आपका एग्जाम होता है वैसे दिखेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लैपटॉप पर टेस्ट सीरीज दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर एग्जाम जैसा क्या मिले आपके पास, एनवायरमेंट मिले। लैपटॉप रख दीजिए टेबल पर और टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। 5, 5, 10 टेस्ट सीरीज है, मतलब 1000 क्वेश्चंस आपके सामने है और 19 रुपीज में। 1000 क्वेश्चन करते हो आप, जैसे मान लो आपने टेस्ट सीरीज दिया नॉन टेक का, राइट, अब टेक का टेस्ट सीरीज पहले देते हो, मान लो आपने पहले टेस्ट सीरीज दिया नॉट टेक का, आफ्टर राइटिंग टेस्ट सीरीज देखो आपका रैंक कितना आ रहा है, जस्ट लुक एट द रैंक, व्हाट रैंक यू आर गेटिंग माय डियर, पहला रैंक देखना है। दूसरा आपको देखना है रैंक अच्छा आ रहा है खराब आ रहा है, कोई मतलब नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। आपको देखना है आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आउट ऑफ कितना मार्क्स, कितने मार्क्स, 200 नंबर में से कितना आपका मार्क्स आ रहा है देखना है आपको। नेक्स्ट आपको देखना है आपका सिली मिस्टेक कहां पर हो रहा है, जो सिली मिस्टेक्स है उनको क्या करना है, एक पेज ले लेना है और वहां पर लिखना है टेस्ट 1 सिली मिस्टेक। लर्निंग, आप नया चीज क्या क्या सीख रहे हो, टेस्ट 2 में लर्निंग, ऐसा आपने कर दिया। सिमिलरली आपको क्या करना है, नॉन टेक के लिए भी करना है, जब आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे, ये आपको करना है, रिपीट करना है चीजों बता रहा हूं। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज देने से पहले आपको क्या करना है, एक टेस्ट आपका पेज 1 बन गया आपका, यू हैव क्रिएटेड टेस्ट पेज 1। और इससे क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज आप जो सिली मिस्टेक है आपको पता लग गया कहां करते हैं आप। सिली मिस्टेक में टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, उसके यूनिट मिस्टेक भी आएगा, गलत से आपने गलत पढ़ लिया वो भी आएगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन हड़बड़ी में हम उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं, वो भी आएगा। सो ऑल दोज थिंग्स विल कम माय डियर। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज देने से पहले आप इसको अच्छे से रिविजन करिए, फिर टेस्ट सीरीज 2 दीजिए, दिया टेस्ट सीरीज, रैंक देखो, एनालिसिस करो, फिर टेस्ट 2 में देखो, लिखो टेस्ट 2 में क्या आपका सिली मिस्टेक है, क्या आपने सीखा है।
अब देखना टेस्ट वन को टेस्ट टू के जो पेज है उसको मैच करो, कौन सा कॉमन सिली मिस्टेक हो रहा है, जो कॉमन सिली मिस्टेक हो रहा है उसको तो एलिमिनेट करना है टेस्ट टू के बाद ही, कैसे भी करके, कि मेरे को ये कॉमन सिली मिस्टेक नहीं करना है। जो अलग लर्निंग कर रहे हो आप, उनको आप क्या करिए, रिविजन करिए डेली। तो ऐसे क्या होगा, आप 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं, सोचिए 1000 क्वेश्चन में आपको कितना लर्निंग मिलेगा, कितना आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर इतना आप कर देते हैं तो अगर आपका 140 रनर था तो आई एम श्योर कि आपका 160 प्लस मार्क्स आना चाहिए, और प्लस जो भी आपने पढ़ाई कर रखा है वो तो है ही। और इस तरीके से काम करते हो आप गाइस तो आपका चांस बनता है एसएससी जेई में सिलेक्शन लेने का। और इसी एसएससी जेई में नहीं, ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ हर जगह काम आता है, किसी भी एग्जाम में काम आता है, चाहे गेट बोलो, एसएससी जेई बोलो, ईएससी बोलो। बिकॉज मैं इसको देख रहा हूँ 8-9 साल से देख रहा हूँ, जो बच्चे इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अभी तो बता रहा हूँ इंटरनेट पर 2-3 साल हुआ, 3 साल हुआ बता रहा हूँ, लेकिन फिजिकल कोचिंग में देखा इनको जो फॉलो करते हैं वो आगे डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करते हैं। सो गाइस अगर आपने टेस्ट सीरीज बाय नहीं कर रखा है, टेस्ट सीरीज अभी बाय करो, मार्केट का सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज है, कितना का, सिर्फ 99 रुपीज में। मैकेनिकल का टेक भी है और नॉन टेक भी है, 5-5 सेट है आपका फ्रेश बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको इनको देना है टेस्ट सीरीज। लिंक कहां कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और आपका कहां डाल दिया, फर्स्ट कमेंट में, फॉर योर ईज। तो गाइस गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक और गॉड ब्लेस यू। कोई प्रॉब्लम अगर आता है आपको, कोई क्वेश्चन आता है, आप मेरे को पूछ सकते हैं ऑन फेसबुक, राइट? सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।